आज कम से कम 10,000 से 15,000 के बीच में है। रायबरेली के अलावा भी दूसरे जिलों से भी लोग आ रहे हैं? ऐसी जानकारी तुमको नहीं है सर, रायबरेली के लोग से। अच्छा, कांग्रेस का गढ़ है, लाखों की भीड़ आनी थी, क्या सफलता मिलेगी? लाखों की भीड़ आएगी भाई साहब, आनी नहीं थी, आएगी। अभी उनका समय कहा 11 बजे मोदी जी को आना है, भीड़ आ रही है। आप यूथ हैं, मोदी जी भी यूथ को प्रमोट करते हैं, लोकसभा चुनाव सर पे खड़ा है, पीछे पीछे क्या चाहेंगे कि किसी यूथ को टिकट मिलना चाहिए? नहीं, यूथ को जो तेज काम करने वाला उसको टिकट मिला, हमारा प्रत्याशी कमल फूल है। मोदी जी जिसको भी टिकट देंगे हम लोग उसको यहाँ से जितवा कर भेजेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली में आ रहे हैं, माटन कोच कारखाने में, जहाँ पर उनका लगभग 2.25 घंटे का प्रोग्राम है। और इसी बीच में वो निरीक्षण के बाद, वर्षा के निरीक्षण के बाद 900वें कोच को रवाना करेंगे। उसके बाद उनका लगभग 45 से 50 मिनट का प्रोग्राम रैली करने का है, जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ आने की संभावना है। आप देख सकते हैं मेरे दाहिने तरफ कार्यकर्ताओं में बैठने की व्यवस्था की गई है, पार्टी के झंडे हैं जिनमें कमल बना हुआ है, और गले में लोग अंगोछा भी डाले हैं, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल साफ दिखाई दे रहा है। अगर देखेंगे तो रो टाइप की बनाई गई है, जहाँ पर लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है, साथ ही हर तरफ आपको सुरक्षा के तगड़े इंतजाम मिलेंगे। 9 जिलों की फोर्स बुलाई गई है, होम गार्ड से लेकर NSG तक की व्यवस्था की गई है, कहीं पर कोई चूक ना हो और सुरक्षा में कहीं कोई लापरवाही ना हो। मंच को सजाया गया है, मंच पे धूल है, और यहाँ पर जो कोच कारखाना उसकी भी सुरक्षा के जो सिपाही हैं वो भी लगाए गए हैं। अब देखते हैं हमारे पीछे महिला सिपाही हैं, मतलब कहीं भी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं है। अब कुर्सियाँ देख रहे हैं, अभी लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। अगर बात की जाए, उन्होंने 2 लाख लोगों के आने का दावा किया था, लेकिन अभी तक जो कंडीशन बन रही है, अभी हजारों में संख्या पहुँची है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस के गढ़ में ये कहीं ना कहीं ये अपनी रैली को सफल बनाने में सफल हो जाएंगे। प्रभाकर त्रिपाठी, ETV भारत, रायपुर।